वीडियो में मैं शेयर कर रहा हूँ अपनी एक बचपन की याद आप सबके साथ। ये एक पुराना वीडियो है और ये जनवरी का वीडियो है जब मैं इस घर में नया नया छोटू सा 2 महीने का आया था, पर मम्मा ने आज तक ये वीडियो अपलोड ही नहीं किया। पार्क में सब लोग धूप का मजा ले रहे हैं क्योंकि आज धूप निकली है और मुझे भी धूप का मजा लेना बहुत पसंद है। अच्छा छुचू नहीं दिखाते। मम्मा जब मुझे ऐसे सहलाती हैं तो मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, बहुत अच्छा लगता है। सर्दियों में मुझे धूप खाना बहुत पसंद है। मैं पूरे पूरे दिन यहाँ पर लेटा रहता हूँ, जब तक हमारी बालकनी में धूप आए मुझे यहीं पे लेटना पसंद है। और मम्मी मुझे खूब धूप खिलाती हैं। मेरा खाना भी साइड में रखा है, लेकिन अभी मैं छोटा बच्चा हूँ, एक बार में पूरा खाना नहीं खा पाता, थोड़ा थोड़ा खाना खाता हूँ। तो मम्मी के सहलाने से मैं सो गया हूँ। अब मैं थोड़ी देर सोऊंगा, उसके बाद उठ के मैं क्या क्या करता हूँ आप आगे देखना। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, मैं क्यूट लग रहा हूँ तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं बहुत प्यारा हूँ, उन्हें भी पसंद आऊंगा। तो अभी मैंने थोड़ी थोड़ी आंखें खोल ली है और मैं देख रहा हूँ मम्मी को जो वीडियो बना रही है मेरा, और मम्मी मुझे जूम करती जा रही है और मैं कितना क्यूट ही पाए लग रहा हूँ सोता हुआ। आपने मेरे बाकी वीडियोस नहीं देखे तो मेरे चैनल पे देख सकते हो। अब मेरा खाना एज इट इज पड़ा हुआ है। ये है मेरे नए फूड बाउल जिसमें मम्मी ने मुझे दूध, ब्रेड और बिस्किट दिया है और दूसरे बाउल में पानी दिया है। पर अभी मुझे नींद आ रही है, अभी मुझे यही खाना पसंद है, रोटी में नहीं खाता। हाँ, पानी किधर रखना जहाँ पहले भी था। दूध चाय करके खाना खाता था मैं। बस खड़े हो ऐसे यार। और सोकर जगने के बाद मुझे थोड़ी भूख लगी तो मैं खा रहा हूँ। मैं बिस्किट उठाने की कोशिश कर रहा हूँ पर अपनी छोटी सी जीभ से उठा नहीं पा रहा हूँ। मैं लिख कर करके दूध और ब्रेड खा रहा हूँ। मुझे ब्रेड खाना बहुत अच्छा लगता है। ये खाना बहुत ही यम्मी लग रहा है। अब मैं चूंकि सोके जगा था और मैं छोटा बच्चा हूँ, मुझे हर थोड़ी देर में सुसु आ जाती है, तो मैंने खाना बीच में ही छोड़ दिया है और मैं यहाँ पर जाके सुसु कर रहा हूँ। मम्मी मुझे एक मैट देती है और मुझे जहाँ पर ड्रेनेज है, नाली है, वहाँ पर सुसु करना सिखाती है। पर अभी मुझे ऐसे 2-3 दिन हुए मैं सीखा नहीं हूँ, लेकिन थोड़े दिन बाद मैं इतना अच्छा सीख गया था कि मैं कभी भी घर में सुसु पॉटी नहीं करता हूँ, कभी भी नहीं। मैं बहुत अच्छा बच्चा बन चुका हूँ अब तो। अगर आप अपने पप्पी को छोटे से ही सिखाओगे तो वो भी सीख जाएगा, लेकिन आपको पहले दिन से ही उसको सिखाना होगा। सुसु करने के बाद मैं फिर से अपना खाना खाने आ गया हूँ, क्योंकि वो तो मुझे बीच में तेज सुसु आ गई थी इसलिए मैं भाग गया था। पर अब मेरा पेट भर गया है और मैं फिर से सोने का प्लान बना रहा हूँ। और ये मेरा छोटा सा तकिया है। बच, इतना ही खाना था दोस्तों। छोटे पपी के पास हमेशा खाना रखें क्योंकि वो छोटा होता है, एक बार में ज्यादा नहीं खा पाता और उसे बार बार भूख लगती है, वो आपको बता नहीं पाएगा। तो खाना हमेशा रखें। बॉक्सर और हाँ, वैसे डॉग को दूध नहीं देना चाहिए, उन्हें डाइजेस्ट नहीं होता, पर ये गाय का दूध है और इसमें भी मम्मा पानी मिला के डाइल्यूट करती है और ये मुझे सिर्फ थोड़े से ही दिन दिया गया था। सोता ही रहता हूँ क्योंकि मैं छोटा हूँ और ग्रो कर रहा हूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे बाकी वीडियो देख लेना।